हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी मैकजोन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर हम लोग यूपीपीएससी एई के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक, प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हल कर लिया होगा। ठीक, ये चैनल पर जो लोग नए होंगे उनको मैं बता दूँ कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक, और उसके 4 विकल्प आपको देखता हूँ, आप उसको करते हैं। ठीक, आप खुद अपने आप को परखिए कि हम कितना जानते हैं। ठीक, उसके बाद मैं बताता हूँ कि उसमें क्या होगा। ठीक है ना, तो हम अपना अगला प्रैक्टिस से छठा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वस्तु स्थान, वस्तु स्थान और जो भाव, इनके जो बताने वाले या इनके जो घोतक शब्द होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं। 4 विकल्प हैं आपके सामने। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेष्य। ठीक, तो संज्ञा की परिभाषा ही होती है कि किसी वस्तु स्थान अथवा भाव को बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो इस तरह से आपका जो विकल्प पहला होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि आपको बताना है व्युत्पत्ति के आधार पर जो हमारी संज्ञा होती है उसके कितने भेद होते हैं। ठीक, 4 विकल्प हैं आपके सामने। तीन, 4, 5 या 6। तो जो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं हमारे वो कितने तरीके के होते हैं, 3। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा पर्वत है, पर्वत शब्द है, ये कैसी संज्ञा है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। पहला भाववाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक और चौथा व्यक्तिवाचक। तो जो पर्वत शब्द होता है ये कैसी संज्ञा होती है आपकी, जातिवाचक संज्ञा। यानी कि आपने पर्वत कहा तो इस दुनिया में जितने पर्वत हैं सबका बोध हो गया। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न कि जो स्त्रीत्व शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व 4 विकल्प हैं। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा समूहवाचक संज्ञा। ठीक, देखिए जब मैंने आपको भाववाचक संज्ञा बताया था तो हाँ आपसे बताया था कि जातिवाचक संज्ञा से हम लोग भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, और उसमें आप उस वीडियो में जाके देखिएगा संज्ञा वाले, जिसमें जो दूसरा वीडियो है संज्ञा का उसमें मैंने बताया है आपको कि भाववाचक संज्ञा को पहचानते कैसे हैं। अगर आपको कुछ न पता हो तो क्या होता है कि जब किसी शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ जाता है, ठीक, तो वो क्या होता है, लगभग क्या होता है, भाववाचक संज्ञाएँ होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो स्त्री शब्द है, स्त्री कैसी संज्ञा है, जातिवाचक, लेकिन स्त्री से क्या बना है, तो प्रत्यय लगकर स्त्रीत्व, और स्त्रीत्व शब्द जो होता है हमारा वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है।
ठीक। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि इन आपके सामने चार शब्द हैं, ठीक, चार विकल्प हैं, इनमें आपको बताना है कि इनमें कौन सा शब्द संज्ञा है। पहला है कुद्ध, दूसरा है क्रोधी, तीसरा है क्रोध और चौथा विकल्प है आपके सामने क्रोधित। ठीक, इन चारों में आपको बताना है कि इन चारों शब्दों में संज्ञा कौन सी है। कुद्ध, क्रोध, ठीक, कुद्ध और क्या है, क्रोधी, क्रोध और क्रोधित। ठीक, तो इन चारों में जो ये क्रोध शब्द है ये हमारा क्या है, संज्ञा है। ठीक, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा छठा क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि चार विकल्प हैं आपके सामने, उसमें आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है। ठीक, भाववाचक संज्ञा, पहला क्या है, शत्रुता, दूसरा मनुष्य, तीसरा पाप और चौथा सुर। ठीक, इन चारों में आपको बताना है कि इन चारों में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो शत्रु से क्या बना है, शत्रुता। ठीक, तो शत्रुता में क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न जो है वो भी आपसे यही पूछ रहा है कि इन चारों में आपको भाववाचक संज्ञा ही बतानी है। पहला विकल्प है आपके सामने मिठाई, मिठाई, ठीक, दूसरा विकल्प है मिठाई, चतुराई, तीसरा विकल्प है लड़ाई और चौथा विकल्प है उतराई, उतराई। ठीक, इन चारों में आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो इन चारों में मीठा शब्द से क्या बना है, आई प्रत्यय लगकर मिठाई। तो इन चारों में जो मिठाई शब्द होगा वो आपका क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है कि जो सच्चरित्रता, जो सच्चरित्रता शब्द है, ठीक, सच्चरित्रता शब्द किस मूल शब्द से, किस मूल शब्द से बना हुआ है। ठीक, चार विकल्प हैं आपके सामने, कौन कौन से, पहला है सत चरित्र, दूसरा विकल्प है चरित्र, तीसरा विकल्प है चरित्रता और चौथा विकल्प है आपके सामने सच्चा। इसमें आपको बताना है कि जो ये सच्चरित्रता शब्द है ये किस मूल शब्द से बना हुआ है। तो जो सच्चरित्रता शब्द है ये मूल शब्द इसका क्या है, सत चरित्र। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना है, चार विकल्प हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कि इसमें आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है। पहला विकल्प है लड़कापन, पहला विकल्प है लड़कापन, दूसरा विकल्प है लड़कपन, तीसरा विकल्प है लड़काई और चौथा विकल्प है लड़काईपन। इन चारों में आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो इन चारों में जो भाववाचक संज्ञा है, ठीक, वो कौन सा है, लड़कपन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे
कि चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। पहला है विकल्प आपके सामने गाय, दूसरा विकल्प है पहाड़, तीसरा विकल्प है यमुना और चौथा विकल्प है आम। ठीक, तो इसमें कुछ बताना नहीं, कौन सा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा? यमुना। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि इनमें आपको समूहवाचक संज्ञा बतानी है। पहला है घी, दूसरा विकल्प है आपके सामने नदी, तीसरा विकल्प है आपके सामने टीम और चौथा विकल्प है राम। इनमें आपको समूहवाचक संज्ञा बतानी है। तो इन चारों में जो टीम है वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है? जातिवाचक संज्ञा बतानी है। इसमें क्या करना है आपको? जातिवाचक संज्ञा बतानी है। पहला विकल्प है लड़का, दूसरा विकल्प है सेना, तीसरा विकल्प है श्याम और चौथा विकल्प है दुख। इसमें क्या करनी है आपको? जातिवाचक संज्ञा बतानी है। तो जो इसमें लड़का शब्द है, लड़का, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, एक वाक्य दिया गया है आपको कि तुलसी दास जी ने रामचरितमानस की रचना की। इस वाक्य में आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है। चार विकल्प है आपके सामने, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक और चौथा विकल्प है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो जो ये वाक्य लिखा है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, इसमें क्या होगा? इसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक, क्योंकि रामचरितमानस, ठीक, बात किसकी हो रही है? तुलसीदास जी की। ठीक, अकेले तुलसीदास जी। ठीक, तो कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 14वां क्वेश्चन कि वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? चार विकल्प हैं, पहला वीरता, दूसरा वीरत्व, तीसरा वीर और चौथा ए व बी दोनों। तो जो वीर शब्द होता है, इसकी जो भाववाचक संज्ञा होती है ये वीरता और वीरत्व दोनों होती है, इसलिए जो आपका यहाँ पर चौथा वाला विकल्प है डी, ए और बी दोनों, वो क्या होगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है कि धुआं, जो धुआं शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा होगी? चार विकल्प हैं आपके सामने, पहला भाववाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा
द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो धुआं है आपका, ये कैसे क्या है, एक द्रव्य है ना, मैटर है, ठीक। तो क्या होगा, धुआं में कैसी संज्ञा हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन। जो काला सागर है, काला सागर, इसमें कौन सी संज्ञा होगी। पहला है विकल्प आपके सामने व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा विकल्प है समूहवाचक तीसरा विकल्प है जातिवाचक, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो जो काला सागर होगा, इसमें कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो चौराहा शब्द होता है, चौराहा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। चौराहा, चार विकल्प, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, चौथा भाववाचक। तो जो चौराहा शब्द है, अगर हमने चौराहा कह दिया तो क्या होता है कि एक चौराहे के कहने से सारे चौराहों का बोध हो जा रहा है, इसलिए जो चौराहा शब्द होगा इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, अगला प्रश्न है 18वां आपके सामने कि एक वाक्य दिया है, लिखा है दाल में कुछ गिर गया, दाल में कुछ गिर गया। तो इसमें जो कुछ शब्द आया है ये कौन सा सर्वनाम है। ठीक, चार विकल्प हैं आपके सामने, निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा गुणवाचक, या चौथा क्या, संख्यावाचक। तो दाल में कुछ गिर गया, कुछ क्या, निश्चितता हो रही है, नहीं हो रही है, तो इसलिए कुछ शब्द में कैसा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। ठीक, अगला प्रश्न है हम लोगों के पास, क्या कह रहा है कि वह सोहन, वह सोहन जा रहा है। इस वाक्य में जो ये वह शब्द है ये कैसा सर्वनाम है। ठीक, चार विकल्प हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, गुणवाचक, और चौथा कोई नहीं। ठीक,
तो वह सोहन जा रहा है, मतलब निश्चितता की जिसके बारे में बात की जा रही कौन है, सोहन है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है कि शब्द दिया है भाई बहन, पूछ रहा है कि ये जो शब्द है भाई बहन इसमें कौन सी संज्ञा होगी। पहला विकल्प है जातिवाचक, दूसरा विकल्प है व्यक्तिवाचक, तीसरा विकल्प है आपके सामने समूहवाचक, और चौथा विकल्प है कोई नहीं, कोई नहीं। तो जो ये भाई बहन है, ठीक, हमने भाई बहन कहा तो दुनिया में जितने भाई बहन है सबका बोध हो गया ना, एक के कहने से सबका बोध। तो जो भाई बहन है इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जाति वाचक। ठीक, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, 21वां क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा में सर्वनाम की संख्या जो है वो कितनी होती है। चार विकल्प हैं, 6, 8, 10 और 11। तो हिंदी भाषा में आपको बताना है कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। सर्वनाम पढ़ा रहा था तो बताया था आपको, तो हिंदी भाषा में सर्वनाम की जो संख्या होती है क्या कितनी होती है, 11। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि जो शराबी शब्द है, शराबी शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या चौथा विकल्प है समूहवाचक। बताना है आपको कि जो शराबी शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा होगी। तो जो ये शराबी शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि भारत शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। चार विकल्प हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और चौथा कोई नहीं, इन चारों में से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो ये भारत शब्द है, भारत देश वाला भारत, जो ये भारत शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा होगी। तो भारत एक ही है ना, एक ही देश का नाम है, तो इसलिए क्या होगा, भारत में कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्ति वाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 24वां कि प्रयोग की दृष्टि से जो सर्वनाम होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। चार विकल्प हैं आपके सामने, पहला 6,
दूसरा 8, तीसरा 10 या चौथा 11। तो जो अभी आपको ऊपर बताया कि जो सर्वनाम की संख्या होती है वो 11 होती है, जब सर्वनाम आपको पढ़ा रहा था तो बताया हूँ उसमें, ठीक। लेकिन जो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम की संख्या होती है वो कितनी होती है? 6, ठीक। आखिरी सवाल है इस प्रैक्टिस सेट का, क्या कि जो घोड़ा शब्द है, घोड़ा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? ठीक, 4 विकल्प हैं आपके सामने, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। जो घोड़ा है आपको बताना है उसमें कौन सी संज्ञा होगी। तो मैंने घोड़ा अगर कह दिया तो क्या होगा कि जितने घोड़े हैं सबका बोध हो रहा है ना, तो घोड़ा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। विकल्प आपका कौन सा? दूसरा। तो इस तरह से हमने इस प्रैक्टिस सेट में सर्वनाम और संज्ञा से संबंधित क्या किए, प्रश्न देखे। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।